सलाम अलैकुम जमाल भाई। कहाँ है आरिफ? अब यही घर पर ही है, आप बैठे। बुलाइए उसे। जी कहिए। ये क्या हरकत है? मेरी रेजिग्नेशन है और क्या? वजह मालूम कर सकता हूं? वजह आपको मालूम है? हाँ मालूम है, और ये भी मालूम हो गया है कि तुम एक नीच और घटिया सोच के इंसान। अपने दामादों से इस तरह से कोई बात करता है जमाल भाई जिस तरह आप कर रहे हैं? और दामाद भी ऐसा नहीं करते जैसा आपका बेटा कर रहा है। तुम्हें शायद समझने में गलती हो गई मुझसे। मुझे लगा था कि तुम एक छोटे घर में रहते हो, तो क्या हुआ? बड़े दिल के मालिक हो, मेरी बेटी को खुश रखोगे, लेकिन तुमने मेरी बेटी को दुख ही दुख दिया है। हमारे दुखों का भी तो सुने भाई। आपके दुख आपको आपकी बेटी ने दिए हैं और उसके शौहर ने। मेरी बेटी का नाम बीच में मत ले। मेरे या मेरे भाई के बारे में कुछ भी बोलने से पहले याद रखे कि आपकी बेटी इतनी नेक नहीं है। तुम बीच में मत बोलो, समझी तुम? क्यों ना बोलूं मैं दरमियान में? क्या समझता है अपनी बेटी को? एक दो बार तो मैंने खुद देखा है उसे रेस्टोरेंट में मेरे शौहर के साथ। यकीन नहीं है, जाके पूछ ले उससे। हमदान ने ठुकरा दिया होगा उसे जरूर, लेकिन अभी तक वो उसे चाहती है और उसी चाहत के पीछे मेरा घर नहीं बसने दे रही। ज़बान संभाल कर बात करो तुम। इल्जाम मत लगाओ मेरी बेटी पर। जमाल अंकल मैं इल्जाम लगा ही नहीं रही हूँ, मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, जाके पूछ ले उससे। अपनी बेटी पर एतबार है मुझे उससे ज्यादा जितना तुम्हें अपने शौहर पर है, और तुम भूल जाओ रेशमा को। अब मैं उसको इस घर में नहीं भेजूंगा, समझ गए? जमाल भाई